एक्सप्लोरिंग रियल डेटा यूजिंग डीप लायर। तो इस वीडियो में जैसे हमने गैप माइंडर डेटा को एक्सप्लोर करना शुरू किया था, तो उसी चीज को हम लेके चलेंगे। लेकिन मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एक चीज जो बताने जा रहा हूँ वो है डीप लायर। बेसिकली ये पैकेज है, टाइडी वर्स में बिल्ट इन है। इंस्टेड ऑफ लर्निंग बेस और पैकेज हम डीप लायर पैकेज यूज करेंगे। ये बहुत यूजर फ्रेंडली है। तो देखते हैं हम इसके मेन वर्ब्स क्या हैं। तो फिर इन वर्ब्स को जैसे हमने पिछली वीडियो में यूज करना शुरू किया था गैप माइंडर डेटा, और पर्टिकुलरली साउथ एशिया के लिए हम इस डीप लायर के वर्ब्स को अप्लाई करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं इसके मेन वेरिएबल्स की बात कर देता हूं। एक होता है फिल्टर। फिल्टर वेरिएबल जो है ये यूज होता है जब आपने कुछ गिवन कंडीशन के तहत कुछ रोज को सिलेक्ट करना हो। हमने जैसे लास्ट टाइम देखा 1952 से 2007 तक का डेटा था, तो वी वांट कि डेटा ओनली 2007 का या 2002 का हो। तो वो अगर 2002 का डेटा सिर्फ रखना है तो हमें फिल्टर का जो है वर्ब यूज करना होगा। सिलेक्ट का मतलब ये होगा कि अगर फर्ज करें मेरे पास 6 कॉलम है या 10 कॉलम है, या जैसे सर्वे डेटा में कई 100,000 कॉलम्स होते हैं, बट मेरे इस्तेमाल के मेरे यूज में सिर्फ 15-20 कॉलम्स हैं, तो मैं सिर्फ वो सिलेक्ट वो वाले कर लूंगा। मेरा डेटा जो पीछे था वो इंटेक्ट रहेगा और न्यू डेटा में सिर्फ वो 5-7-10 वेरिएबल्स रह जाएंगे। जैसे बाकी सॉफ्टवेयर्स में जैसे स्टेटा में हम कीप कर देते हैं या ड्रॉप कर देते हैं वेरिएबल्स को। अरेंज, अरेंज से मुराद ये होगी कि मैं डेटा को ऑर्डर कर सकता हूं असेंडिंग या डिसेंडिंग, के जी बड़ी से छोटी वैल्यू, छोटी से बड़ी वैल्यू, डिपेंडिंग अपॉन के मैं किस वेरिएबल के लिहाज से करना चाहता हूं। सैंपल अंडरस्कोर एन फंक्शन जो है ये आपको एक रेंडम सैंपल जनरेट करके देगा, जो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। म्यूटेट और ट्रांसम्यूट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं वेरिएबल कैलकुलेशन के, मैं जो इस वीडियो में नहीं इससे अगली वाली वीडियो में बात करूंगा। समराइज अलग एक अनदर वर्ब है डीप लायर लाइब्रेरी का, जिसको मैं अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब हम देखते हैं कि हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे हमने पिछली दफा आर को देखा था, तो उसके कुछ चीजें जो है वो आर की यहां पे हम देख रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि हमारे पास लाइब्रेरी डीप लायर है, एरर नहीं है तो ये पैकेज इंस्टॉल्ड है। लाइब्रेरी गैप माइंडर है, एरर नहीं है तो ये पैकेज इंस्टॉल्ड है। लाइब्रेरी निटर, तो ये देखिए कहीं पे भी यहां पे मुझे जो है वो कंसोल में एरर नहीं आ रहा, और अगर एरर आ जाए तो आपको इंस्टॉल डॉट पैकेजेस पे जाना है, या आपको यहां पे टूल्स पे इंस्टॉल पैकेजेस पे, और यहां पे वो पैकेज ब्राउज कर लें डीप लायर गैप माइंडर या जो भी चीज हो रही है। तो अब मैं इस वक्त व्यू को मैंने बताया था कि अगर आप न्यू लाइब्रेरी में डेटा को व्यू करना चाहते हैं तो ये आपके पास व्यू हो सकता है। अच्छा, ये जस्ट मैं पिछली वीडियो की हल्की सी आपको जो है वो डिटेल्स दे रहा हूं। ये बता रहा है कि इतने वेरिएबल्स हैं और ये इनमें से फैक्टर कौन सा है, आपके पास डबल कौन सा है, इंटीजर कौन सा है, जिस पे हमने 2-3 दफा बात कर चुके हैं। हेड का मतलब होता है टॉप 6 वैल्यूज, टेल का मतलब होता है टॉप बॉटम 6 वैल्यूज, केबल हो गया आपके पास जो है वो कि जी आप उस डेटा को अपने प्रॉपरली टेबल में कैसे अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आर मार्क डाउन डॉक्यूमेंट की जब मैं बात करूंगा वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। हेल्प लेनी हो तो हेल्प गैप माइंडर लिख दें, यस क्वेश्चन मार्क गैप माइंडर कर दें, तो ये देखिए ये आपके पास हेल्प विंडो सारी की सारी ओपन हो गई। अब मैं पहला वर्ब यूज करने जा रहा हूं डीप लायर का। तो हम क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट वर्ब जो है वो इस वक्त जो मैं जो है डीप लायर का या फर्स्ट फंक्शन ऑफ डीप लायर जो यूज करने जा रहा हूं, तो वो मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं। अब देखिए यहां पे अगर कमेंट्स करने हो तो ये हैश हैश लगा दें, अदरवाइज वो इसको कमांड समझेगा तो एरर देगा। तो हैश लगाने से ये कमेंट बन गया। आप इसको यहां पे भी लगा सकते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं कि सिलेक्ट 5 वैल्यूज एट रेंडम। तो हमें पता है कि ये डेटा 1952 से 2007 तक का था, लेकिन जब मैं इसको रन करता हूं तो ये देखिए मेरे पास रेंडमली कुछ वैल्यूज जो है वो जनरेट हो गई हैं। ये आपके पास कोरिया, ये रेंडमली एक डेटा 5 वैल्यूज जनरेट हो गई हैं, आप इनको जो है वो देख सकते हैं। अब इसके बाद हम देख रहे हैं इसको यहां तक की बात, इससे पीछे पीछे अप टू हेल्प गैप माइंडर तक हमने पिछली वीडियो में बात की थी।
आज हमने पहली चीज ये देखी कि हम कैसे रैंडम सैंपल ले सकते हैं अपने डेटा से। दूसरी चीज जो हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि हम अपने जो है वो ये फिल्टर वेरिएबल्स और ये चीजें कैसे करने जा रहे हैं। बहुत ही यूजफुल फीचर्स हैं। एक तो ये जो है ना वो आपको कंप्यूटर साइंस में जो हम फंक्शंस पढ़ते हैं जिसमें हम बैकवर्ड जाते हैं, ये बैकवर्ड जाने की बजाय आपको फॉरवर्ड लेके चलता है। यानी कि गैप माइंडर मेरा डेटा है, उसमें से मैंने कंट्रोल शिफ्ट एम किया तो ये मेरा पाइप फिल्टर। तो ये पाइप फिल्टर को आप थोड़ा सा ब्राउज कीजिएगा, ये जो पाइपिंग है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब गैप माइंडर से मैं क्या कर रहा हूं, फिल्टर से मैंने कहा था कि हम वो रो सिलेक्ट कर लेंगे कि हम कहते हैं सिर्फ 2007 का डेटा, तो 2007 तो डबल इक्वल डाला हमने, वेरी जो आर कोड बेसिक्स में हमने कहा था इक्वल नहीं लिखेंगे, इफ एंड ओनली इफ 2007। तो आप देखिए कि आपके पास जितना डेटा वो सिर्फ 2007 का सिलेक्ट होगा। तो ये एक बड़ा जो है ना वो आपके पास जो है वो यूजफुल चीज है कि आप यहां पे गैप माइंडर और फिल्टर, और अब आपके पास इसी तरह से डेटा आप लेना चाहते हैं कि जी आपके पास जो है वो सिर्फ एक कंट्री का डेटा, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कंट्री डबल इक्वल लेट से इंडिया। तो अब ये करेक्टर वेरिएबल या इसको, तो इसको हमें इन्वर्टेड कॉमास में, तो ये देखिए सिर्फ इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64.7 और ये आपके पास पॉपुलेशन उसकी ये और जीडीपी पर कैपिटा। तो यही कंट्री अगर आप पाकिस्तान कर देंगे तो ये आपके पास यहां पे आप पाकिस्तान लिख दें तो पाकिस्तान का डेटा आ जाएगा, बांग्लादेश लिख दें, श्रीलंका लिख दें, मालदीव लिख दें, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, जो भी आप लिखना चाहें वो आपके पास आ जाएगा। अब आप देखिए तो इस डेटा में एक और जो चीज है वो क्या है कि आप जो है वो ये आपने एक इसका वर्ब, हम ये दूसरा वर्ब, पहला सैंपल सिलेक्शन था, दूसरा हमने फिल्टर का वर्ब यूज किया। ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होगा पर्टिकुलरली सर्वे डेटा सेट्स में। अब हम सिलेक्ट का वर्ब यूज करना चाहते हैं कि ये देखिए गैप माइंडर, तो इसके बाद आपने ये पाइप फिल्टर यूज कर लें और सिलेक्ट वे, ये सिलेक्ट आपने टैब प्रेस किया। तो अब आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, दो कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं, लेट से आप जो है वो सिलेक्ट कर लें आप सिर्फ कंट्री, कॉन्टिनेंट और जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ रखना चाहते हैं। तो आप देखिए यहां पे आपके पास सिर्फ ये तीन वेरिएबल्स रह गए हैं, बाकी डेटा नहीं रहा। अच्छा, इंटरेस्टिंग की चीज ये है कि गैप माइंडर डेटा जो है ओरिजिनल फॉर्मेट में उसी तरह पड़ा हुआ है। आप चाहें तो फिल्टर और उसके बाद ये वाली कमांड जो है वो लगा दें तो ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंगली इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो ये बेसिकली देखिए एक ही, पहले आपने फिल्टर लगा दिया कि जी सिर्फ 2007 का डेटा हो, देन आपने लगा दिया कि अच्छा यहां पे हम डबल कंडीशन नहीं लगाते, हम इंडिया को रब कर देते हैं, यहां पे सिलेक्ट कर लिया कंट्री, कॉन्टिनेंट और जीडीपी पर कैपिटा। तो वो क्या करेगा, 2007 का डेटा सिर्फ इन तीन वेरिएबल्स के लिए रिटेन कर देगा। तो आप इसी कमांड को, ये देखिए ये सारा डेटा सिर्फ 2007 का उसने रिटेन कर लिया। अब मैं यहां पे जो है वो, तो ये दो वेरिएबल साइमल्टेनियसली आपके पास यूज हो गया, फिल्टर भी यूज हो गया, सिलेक्ट भी यूज हो गया। ये फिल्टर कमांड मोर देन वन वेरिएबल्स पे भी अप्लाई की जा सकती है। अब इससे नेक्स्ट में हम देखते हैं कि अगर मुझे जो है वो चाहिए हो कि जी आपके पास जो है वो डेटा को मैं जीडीपी के हिसाब से अरेंज करना चाहता हूं, तो मैं अगला जो फिल्टर यूज करने जा रहा हूं या वर्ब यूज करने जा रहा हूं वो अरेंज करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने उसी तरह से गैप माइंडर, कंट्रोल शिफ्ट, फिल्टर, आप देखना चाहते हैं कि 2007 में किस कंट्री का जीडीपी सबसे कम था या सबसे ज्यादा था। तो अब डेटा तो आपके पास बहुत लॉन्ग हो सकता है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अरेंज। अगर डिसेंडिंग में करना है तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा, अगर असेंडिंग में करना है तो अरेंज, और यहां पे आप लिख दें जीडीपी पर कैपिटा। तो ये देखिए ओप्स मस्ट बी, तो यहां पे देखिए मैंने सिंगल डाला तो उसने मुझे नीचे एरर दिया। अब मैंने ये डबल कंडीशन लगाई तो ये देखिए सबसे कम जीडीपी जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का है, लाइबेरिया, ब्रूंडी, और ये कॉन्टिनेंट गिवन है और साथ ईयर गिवन है, और ये आपके पास साथ साथ जो है ये दिस इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दिस इज पॉपुलेशन, दिस इज जीडीपी पर कैपिटा। आई वॉन्ट कि ये जो है वो हाइएस्ट से लोएस्ट की तरफ रिपोर्ट हो, तो मैं इसी को ये कर रहा हूं,
descending, ये मेरे पास descending में चला गया, तो ये मेरे पास जो है वो यहां पे देखिए सबसे highest GDP नॉर्वे का आ गया, कुवैत आ गया, सिंगापुर आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, तो यहां पे विद रेफरेंस टू GDP आ गया। मैं अगर इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिहाज से करना चाहूं तो आई विल जस्ट चेंज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो सबसे हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान में है 2007 में, हांगकांग चाइना में, आइसलैंड में, एनीहो। अब मैं यहां पे एक छोटी सी कमांड जो बार बार आपको नजर आ रही थी, क्योंकि इसमें काम थोड़ा ज्यादा करना था तो इसलिए मैंने इसको जो है वो पहले से टाइप करके रखा हुआ था। तो आप देखिए गैप माइंडर साउथ एशिया लेस देन डैश मींस इक्वल, तो मेरे पास डेटा था गैप माइंडर, उसमें से मैंने फिल्टर कर लिया। क्या चीज फिल्टर कर ली, जैसे मैंने ये डबल इक्वल इंडिया लिखा था तो यहां पे मैंने फिल्टर कर लिया परसेंट इन परसेंट, कॉलम मैंने इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तो ये मेरे पास जो है वो वेरिएबल साउथ एशिया के लिए मैंने यहां पे सारे कंट्रीज का नाम लिख लिया। तो अब ये मेरे पास गैप माइंडर साउथ एशिया, इससे पहले गैप माइंडर डेटा, ये डेटा ओरिजिनल नहीं चेंज हो रहा था, अब यहां मैंने एक नया डेटा जनरेट कर लिया, ओरिजिनल डेटा एज इट इज रहा और ये गैप माइंडर साउथ एशिया डेटा मैं जनरेट कर रहा हूं, तो ये मेरे पास जो है वो गैप माइंडर साउथ एशिया का डेटा जनरेट हो गया। अब मैं अगर इस डेटा को देखना चाहूं तो गैप माइंडर, अगर आप साउथ एशिया देखें गैप माइंडर, तो यहां पे देखिए साउथ एशिया यहां पे आया हुआ है, तो आप इसको प्रेस करें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये डेटा जो है ये अफगानिस्तान और ये सारा आ गया। अब मैंने कहा गैप माइंडर मुझे डेटा चाहिए, फिल्टर करें सिर्फ 2007 में, सॉरी मुझे डेटा चाहिए 2007 का, और 2007 में किस कंट्री का GDP सबसे ज्यादा था, तो ये देखिए मैंने यहां पे फिल्टर कर लिया, ईयर क्या कर लिया जी, ईयर डबल इक्वल लेट्स से 1972, और उसके बाद मैंने इसको जो है वो सिलेक्ट कर लिया, अरेंज कर लिया, क्या चीज अरेंज कर ली है मैंने, GDP पर कैपिटा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, GDP पर कैपिटा, तो देखिए आपके पास 1972 में सबसे कम GDP पर कैपिटा जो है वो बांग्लादेश का था और सबसे ज्यादा श्रीलंका का था। नाउ इफ आई चेंज द कंडीशन और मैं ये कहता हूं कि छह मुझे जो है वो सबसे ज्यादा किसका था, सॉरी यहीं पे हम कहते हैं 2007 में क्या पोजीशन है, तो बांग्लादेश जो कि लोएस्ट था, लेट्स लुक एट 2007, ओप्स ईयर 2007, तो देखिए बांग्लादेश का GDP जो है वो बढ़ गया। और अगर आज देखेंगे, आज का डेटा चूंकि 2017 का हमारे पास है नहीं है, तो यूल सी के बांग्लादेश और शायद श्रीलंका और इंडिया जो है ये टॉप पे हो, पाकिस्तान और ये जो है वो इससे बॉटम पे चले जाएं। एनी हो यू कैन एक्सप्लोर दिस डेटा सेट इन दिस वे, तो अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो आप डिसेंडिंग कर सकते हैं। ये कुछ वेरिएबल्स मैंने पहले से क्रिएट करके रखे हुए हैं, सिलेक्ट कंट्री GDP, अब देखिए गैप माइंडर साउथ एशिया मेरा डेटा था, फिल्टर मैंने किया कि ईयर 1952 हो, कंट्री और GDP पर कैपिटा सिलेक्ट कर लो और अरेंज कर दो डेटा को GDP पर कैपिटा के लिहाज से। तो आप देखिए तो 1952 में नेपाल का GDP पर कैपिटा सबसे लोएस्ट था, श्रीलंका का हाईएस्ट था। 2007 में क्या सिचुएशन इमर्ज होती है, ओके प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि यहां पे हमने अरेंज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी डाला हुआ है, तो इसलिए उसको 1952 को या तो GDP पर कैपिटा के लिहाज से या फिर वहां पे भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो उसको देखना है। तो यहां पे देखिए तो 2007 में क्या सिचुएशन इमर्ज हो रही है, अफगानिस्तान नीचे जा रहा है, नेपाल उससे ऊपर चला गया और आपके पास GDP इंक्रीज हो रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हैं, दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट वेरिएबल। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इसको जब मैं देखता हूं 1952 में, तो अफगानिस्तान सारे ये नेपाल, सॉरी ये 2000 के लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन यहां पे है ही नहीं है, तो ये अनफॉर्चुनेटली आप इसको जो है वो इस वेरिएबल को उड़ा दें सिलेक्ट को। ये देखिए इतना सिंपल है ना आपको डेटा को एक्सप्लोर करना, तो ये देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर मैं उस लिहाज से सॉर्ट करूं तो सबसे ज्यादा श्रीलंका की है, पाकिस्तान की 43 ईयर्स है,
तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन जनरल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरी दुनिया में पुअर कंट्रीज की भी बहुत बड़ी है। तो यहां पे भी मैं जस्ट अरेंज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2007 में, तो अरेंज टैब आ गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2007 में, तो 2007 में ये बढ़ के लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल ये तकरीबन 63-65 के दरमियान हो जाती है। श्रीलंका में 72 है, जीडीपी है, पॉपुलेशन है। तो मैंने यहां पे चार वेरिएबल्स की बात की है, एक मैंने सैंपल की बात की है, सैंपल अंडरस्कोर एन तो साइज ले लो गैप माइंडर डेटा का। दूसरी बात जो मैंने की है वो की है फिल्टर के, आप रोज के लिहाज से कोई फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं कुछ कंडीशन, तो डबल इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन आर इक्वल टू, आप ये भी कह सकते थे कि जी वो कंट्रीज जिनका जीडीपी लेस देन दिस हो सिर्फ वो वाले सिलेक्ट कर लिए जाएं। तीसरी चीज जो हमने पढ़ी है यहां पे वो डिस्कस की है वो है सिलेक्ट वेरिएबल, कि अगर आपके पास बहुत लेंथी डेटा सेट्स हैं तो आप उसके कुछ कॉलम्स को रखना चाहते हैं तो यू कैन सिलेक्ट दोस कॉलम्स ओनली और वो डेटा रिटेन रह सकता है। जैसे अभी हमने सारे डेटा में से सिर्फ साउथ एशिया रिटेन कर लिया, बाकी सब कुछ हमारा ड्रॉप हो गया। और लास्ट चीज जो इस वीडियो में हमने बात की है वो है अरेंज अगर आपको डेटा असेंडिंग से डिसेंडिंग करना है, और अगर आपको डेटा डिसेंडिंग से असेंडिंग करना है अरेंज तो उसमें डी एस ई भी आप लगा के तो यू कैन वर्क विद दिस। मैंने दो भी जो है वो इसके वर्ब्स अभी डी प्लायर के रहते हैं, एक म्यूटेट, ट्रांसम्यूट, समराइज। तो समराइज और म्यूटेट वेरिएबल्स जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप जो है वो गो थ्रू करेंगे, चाहे आपने ईयर्स चेंज करें, चाहे साउथ एशिया को चेंज करें, चाहे कॉन्टिनेंट्स को चेंज करें, तो यू विल सी इट विल बी रियली वेरी यूजफुल एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी चीज मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डेटा सेट्स को अपने को चेंज कीजिए, यहां से थोड़ी बहुत कमांड से हेल्प ले लीजिए, जो है वो आर की बहुत ही एक्टिव कम्युनिटी है वहां से आप हेल्प ले लीजिए, वहां से ब्राउज करके देख लीजिए। तो आपको आई होप के जी अगले वाली वीडियो से जो है वो आप फर्दर इसकी डीप लायर के मेन वर्ब्स को सीख जाएंगे। ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि ये आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी। इनकेस आपको कोई इसमें इश्यू है मैं तो वो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, क्योंकि यहां पे मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है कि कैसे हम जो है वो आर जो कि पूरी दुनिया में यूज हो रही है, कैसे हमारे जो है वो लोग उसको यूजर बन जाएं और दे कैन एक्सप्लोर डेटा इजीली, दे कैन मॉडल देयर डेटा इजीली, और उनको जो है वो ये चीज जो है जो डेटा जो कि आज की सबसे बड़ी चीज है उस पर उनको ग्रिप स्ट्रांग